तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेजोनेंस ट्यूब। तो रेजोनेंस ट्यूब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा ट्यूब है जिसके सहायता से हम लोग एयर के अंदर साउंड की स्पीड कैलकुलेट करते हैं। तो लिखिए, रेजोनेंस ट्यूब इज अ पाइप विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैलकुलेट साउंड स्पीड इन एयर। ठीक है, तो देखिए एक ट्यूब होता है, ऐसा सिलिका ट्यूब है। जब आप बीटेक करोगे तो ज़्यादा बेटर आपको दिखाया जाएगा कि इधर स्केल लगा होता है, इधर स्केल लगा होगा और इससे एक पाइप होगी जो इससे बन के यहाँ तक जाएगी। इसमें जब पानी डाला जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा, वो राइज करेगा। तो उस पूरे सिस्टमेटिक डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, बट कैलकुलेशन के लिए। तो कैलकुलेशन के लिए एक सिलेंडर बना देता हूँ, बस उसमें पानी भरेंगे हम समझ जाएंगे। तो रेजोनेंस ट्यूब जो होता है एक इस तरीके से, सपोज करो ये फिक्स्ड है, यहाँ पे मार्क बना होता है, जीरो मार्क, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ऐसे मार्क बना होगा जो कि स्केल होता है। तो आप उसको पढ़ सकते हो कि कितना मीटर एयर का कॉलम का लेंथ है। कैसे, इसका एक साइड क्लोज होता है, इसमें पानी मान लीजिए आपने ऐसे भर दिया, वाटर भर दिया, और यहाँ पे एक ट्यूनिंग फोर्क यूज़ किया जाता है, ऐसे ट्यूनिंग फोर्क यूज़ किया जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी नोन होती है और इसको जब वाइब्रेट कराते हैं तो इसमें साउंड प्रेशर वेव प्रोपोगेट करता है, साउंड प्रोपोगेट करता है। और ये जो पानी का ये जो लेयर है ये फिक्स बाउंड्री की तरफ से काम करता है। तो फिर यहाँ से वेव आएगा, इससे टकराएगा और टकरा के वापस लौटेगा। तो हम ये पाते हैं, तो ये वेव और ये वेव दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, तो ये स्टैंडिंग वेव फॉर्म करते हैं। ये है एयर कॉलम, दिस इज एयर कॉलम, दिस इज वाटर कॉलम, वाटर कॉलम नीचे है, एयर कॉलम ऊपर है। तो इस पे जो मार्क बना होता है ना, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही मार्क बना होगा, इस पे सेंटीमीटर लिखा होगा या एमएम लिखा होगा। तो उसके सहायता से आप मेजर कर सकते हो कि जो एयर का कॉलम है उसका लेंथ कितना है, कितना सेंटीमीटर है या कितना मीटर है, मेजर कर सकते हो। और ये नीचे वाटर कॉलम होता है, इसमें स्टैंडिंग वेव सेटअप हो गया। अब स्टैंडिंग वेव सेटअप हो गया इस एयर कॉलम में, तो एक तरह से देखिए ये क्लोज आर्गन पाइप की तरह से बिहेव कर रहा है, क्योंकि ए एंड क्या है, क्लोज है, ए एंड क्या है, ओपन है। ये क्लोज आर्गन पाइप की तरह से बिहेव कर रहा है। तो क्लोज आर्गन पाइप की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि फर्स्ट हार्मोनिक होगी, सेकेंड, इसमें तो क्लोज आर्गन पाइप है तो सारे ऑड भी नहीं, तो फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवन्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी रहेंगे। अब वो फ्रीक्वेंसी जो भी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो मैं बता रहा हूँ कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 उनमें से कोई भी फ्रीक्वेंसी अगर इस ट्यूनिंग फोर्क के फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो इस एयर कॉलम के अंदर एनर्जी ट्रैप बहुत ज़्यादा अमाउंट होने लगेगा, जिसके वजह से इससे आवाज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं कि रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस बेसिकली है कि व्हेन वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम, दिस एयर कॉलम नॉट वाटर, क्योंकि एयर के अंदर स्टैंडिंग वेव सेटअप हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है किससे, इससे, देन आवाज आती है। तो रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस एक ऐसी फिनोमिना है, रेजोनेंस इज ए फिनोमिना एट विच वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एयर कॉलम बिकम्स इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, and when frequency of tuning fork is equal to frequency of air column, then a vigorous sound produces from this air column, and this is known as resonance. क्योंकि उस केस में एनर्जी लॉसेस इसे बहुत कम होती है, और एनर्जी लॉस कम होती है और वहाँ से एनर्जी लगातार आ रही है तो ट्रैप होने लगती है, एम्पलीट्यूड बढ़ने लगता है। तो आपको डैम्पिंग बताया गया होगा कि एम्पलीट्यूड जब बढ़ने लगता है तो एक ऐसा टाइम आता है कि इतना एनर्जी ट्रैप हो जाती है कि उससे आवाज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो मैंने आपको ये बताया कि बेसिकली रेजोनेंस ट्यूब में वाटर भरा होता है, ये एयर कॉलम का वाइब्रेशन होता है, ये आवाज़ तब प्रोड्यूस करता है जब इसकी फ्रीक्वेंसी इससे मैच कर जाए। तो ये ओपन आर्गन पाइप है, क्लोज आर्गन पाइप है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, एफ नॉट, इस क्लोज आर्गन पाइप का ये वाला लेंथ मैंने मान लिया, दिस इज एयर कॉलम का लेंथ मान लिया एल के बराबर है, लेट दिस इज एल। तो लेकिन एक चीज और होती है, बेसिकली
रेजोनेंस चीज में होता है क्या है कि ये जो बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री है, अब यहीं पे एंटीनोड बनना चाहिए, एंटीनोड वही बनना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट हार्मोनिक में है, तो फर्स्ट हार्मोनिक में है तो यहाँ पे नोड बनेगा, यहाँ पे एंटीनोड बनना चाहिए। तो ये कैसा डायग्राम आना चाहिए? ऐसा बनना चाहिए, बताता हूँ। ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, ऐसे ऐसे बनना चाहिए। ये नोड, ये एंटीनोड, ये फर्स्ट है मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए। तो इसके इसके बीच की दूरी कितनी होती है? लैम्डा बाई फोर। एंटीनोड और नोड की बीच दूरी लैम्डा बाई फोर। तो लैम्डा बाई फोर बिकम्स इक्वल टू एल, एल के बराबर आ जाएगा। इससे लैम्डा क्या आ गया? फोर एल आ गया। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बी अपान लैम्डा, लैम्डा इज फोर एल। और यही फ्रीक्वेंसी इससे मैच कर जाए। और अगर ये क्लोज आर्गन पाइप है तो इस जनरल फॉर्मूले से मैच करा दो। तो जो जनरल फॉर्मूला होता है क्लोज आर्गन पाइप का, वो क्या होता है? एन माइनस हाफ भी अपान टू एल होता है। और इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी अगर इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, जिसमें एन कोई ना कोई इंटीजर होना चाहिए, अगर ऐसा होगा और एन इंटीजर आएगा, इस केस में इस ईयर कॉलम से आवाज़ बहुत ही तेज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, बहुत तेज प्रोड्यूस होता है, जो कि आपको बाहर का सुनाई देगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है इस फॉर्मूले की यूज़ करते समय, होता है कि जो नोड यहाँ, एंटी नोड यहाँ बनना चाहिए ना, आपने देखा होगा कि एंटी नोड हम लोग बाउंड्री बनाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकल केस में। ऐसा नहीं होता है कि नोड एकदम इस बाउंड्री बने। होता क्या है ना कि अगर मान लीजिए सिलेंडर है, ये सिलेंडर है सपोज करिए हॉलो सिलेंडर, इसको आप ओपन कर दीजिए, हॉलो सिलेंडर बन गया। तो इधर से जो आवाज़ 24 आप यहाँ पर लगाएं वैसे वाइब्रेट करता है ऐसे। अच्छा, एक और चीज़, ट्यूनिंग फोर्क जो होता है, बेसिकली ट्यूनिंग फोर्क, ये जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर का जो प्लेन होता है, ये क्रॉस सेक्शन जो है, इस क्रॉस सेक्शन की परपेंडिकुलर वर्टिकल प्लेन में होता है। ऐसे ऐसे नहीं होता, ऐसे वाइब्रेट नहीं करता, वो वाइब्रेट ऐसे करता है ऐसे। ट्यूनिंग फोर्क इसलिए वाइब्रेट करता है ऐसे ताकि, अब ऐसे वाइब्रेट करके तो प्रेशर ऐसे डेवलप होगा, प्रेशर ऐसे भागेगा, तो फिर इसके अंदर आएगा, फिर वापस आएगा। तो ट्यूनिंग फोर्क का जो जो आर्म्स होता है, उसका जो प्लेन होता है, वो वर्टिकल प्लेन में होता है, वर्टिकल प्लेन में होता है, ये ध्यान रखना। अब तो जो यहाँ पे है ट्यूनिंग फोर्क, अब ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो यहाँ से जो प्रेशर जा रहा है, जो वापस आ रहा है, तो यहाँ पे बनना चाहिए था एंटीनोड, बट एंटीनोड यहाँ नहीं बनता, वो थोड़ा सा ऊपर बनता है बिकॉज ऑफ इनर्सिया प्रॉपर्टी। जो एनर्जी जाती है वो जब वापस आती है तो उसको यहीं ख़त्म होना चाहिए था, रिफ्लेक्शन यहीं से होना चाहिए था, बट रिफ्लेक्शन यहाँ से ना होकर थोड़ा सा और ऊपर से होता है। तो जो दूरी आती है ना बीच की दूरी, उसको हम बोलते हैं एंड करेक्शन। मतलब जो एंटीनोड में यहाँ दिखा रहा था, बेसिकली वो एंटीनोड जो मैं यहाँ दिखा रहा था यहाँ पे, वो एंटीनोड यहाँ नहीं बनता है, वो थोड़ा सा और ऊपर बनता है, थोड़ा सा और प्रैक्टिकली थोड़ा सा और ऊपर बनता है, इस तरीके से बनता है ऐसे। और ये लेंथ L, तो आपने इसको मेजर किया क्योंकि जीरो मार्क तो यहाँ पे था, तो L लेंथ ये मेजर किया है। लेकिन एंटीनोड कौन सा बन गया? एंटीनोड यहाँ बन गया बिकॉज ऑफ इनर्सिया, यहाँ की एनर्जी जो होती है वो रिफ्लेक्ट यहीं से होना चाहिए था, बट थोड़ा सा और ऊपर से होता है, तो ऊपर एंटीनोड बनता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग, इस दूरी को बोलते हैं एंड करेक्शन, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल इसे एंड करेक्शन। तो ये एंटीनोड है और ये नोड है, तो एंटीनोड और नोड के बीच दूरी तो हमेशा लैम्डा बाई फोर होती है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है कि एंटीनोड और नोड की बीच दूरी लैम्डा बाई फोर होती है, बेसिक प्रॉपर्टी है। तो क्या बनेगा? लैम्डा बाई फोर इक्वल्स टू एल प्लस ई, एल प्लस ई। तो जो पहले लैम्डा बाई फोर और एल बन रहा था, अब वो बेसिकली लैम्डा बाई फोर और क्या बन रहा है? एल प्लस ई बन रहा है। तो यहाँ से लैम्डा क्या आ गया? फोर एल प्लस ई आ गया। तो फ्रिक्वेंसी क्या होगा? भी अपान लैम्डा, लैम्डा इज फोर एल प्लस ई। अब देखिए, पहले मैं इसी क्या लिख रहा था, 4L लिख रहा था, अब 4L प्लस ई। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है आपको यूज़ तो यही करना है, बस फर्क क्या करना है कि इसी L को रिप्लेस कर देंगे L प्लस ई से, L प्लस ई से, तो L प्लस ई लिख दिया। तो ये बन गया जनरल फॉर्मूला ऑफ रेजोनेंस ट्यूब। लिख सकते हैं क्या? या क्लोज आर्गन पाइप, क्लोज आर्गन पाइप विथ एंड करेक्शन, क्लोज आर्गन पाइप विथ एंड करेक्शन। तो ये जो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी होती है, एन माइनस आप भी अपान टू एल प्लस ई लिखेंगे, जहाँ ई क्या है? एंड करेक्शन है, और एल क्या है? एल जो है वो इस एयर कॉलम का लेंथ है, और ई क्या है? एंड करेक्शन है। ये क्लोज आर्गन पाइप केस में। अच्छा, हम पाते हैं कि जो एंड करेक्शन होता है प्रैक्टिकली, वो इस आर्गन पाइप के डायमीटर पे डिपेंड करता है, या रेडियस पे डिपेंड करता है, इसके रेडियस पे डिपेंड करता है, इसके
रेडियस डिपेंड करता है, रेडियस जितना ज़्यादा होता है एंड करेक्शन उतना ही ज़्यादा आता है। थर्मापथी की जो एंड करेक्शन होता है बेसिकली वो डिपेंड करता है आर पे, और इसके बराबर होता है 0.6 आर के बराबर होता है। दिस इज एंड करेक्शन, एंड करेक्शन इज 0.6 आर। तो अगर एक आर्गन पाइप है मान लो वो एक साइड में ओपन है और उसमें एंड करेक्शन है, तो उसमें जो एल होगा जो लेंथ आएगा वो इतना और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे 0.6 आर और जोड़ देंगे। और अगर वो दोनों ही एंड पे मान लो ओपन होता तो एंड करेक्शन इधर भी आता और इधर भी होता, क्योंकि इधर भी रिफ्लेक्शन थोड़ा सुपर होता और इधर भी रिफ्लेक्शन थोड़ा सुपर होता, तो दोनों साइड में। तो अगर आर्गन पाइप ओपन है तो ये जो फॉर्मूला होता है वो इसको गोड करेगा एन माइनस हाफ भी अपान ट्वाइस ऑफ एल प्लस टू ई को गोड करेगा। लेकिन ये फॉर्मूला लगेगा कब, ओपन आर्गन पाइप विथ एंड करेक्शन, आर्गन पाइप विथ एंड करेक्शन। देखिए कुछ समझ रहा क्या कह रहा है। दूसरी चीज देखिए, कोई पूछे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो एन वन, कोई पूछे कि कौन सा हार्मोनिक है तो 2n-1th हार्मोनिक है, कोई पूछे कौन सा ओवरटोन है n-1th ओवरटोन है। तो बेसिक फॉर्मूला जो पहले मैंने बताया था वो सारा एडिटिव यूज होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया रेजोनेंस ट्यूब एंड एंड करेक्शन के विषय में। तो रेजोनेंस ट्यूब साउंड वेव की स्पीड पता करता है एयर के अंदर, अगर क्लोज आर्गन पाइप है तो हम इस फॉर्मूले से काम चला लेंगे। ये एंड करेक्शन 0.6 होता है किसी एक एंड का है, किसी एक एंड का। और यहाँ पे भी जो 2e में e है वो एक ही एंड का है, 2 क्यों आ गया, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा अगर ओपन आर्गन पाइप है देन, और क्लोज आर्गन पाइप है तो एक साइड ओपन है वहाँ पर आएगा लेकिन एक साइड वो क्लोज है वहाँ पर नहीं आएगा। गुड, इसको आप कॉपी कर लेंगे रेजोनेंस ट्यूब के अंदर। और मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, तो क्या करेंगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए इसमें है कि एक रेजोनेंस ट्यूब है, एक साइड पे क्लोज है, इस पर हमने एक ट्यूनिंग फोर्क यूज किया है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज। इस रेजोनेंस ट्यूब का डायमीटर है 10 सेंटीमीटर और ये इसके साथ रेजोनेंस में है एट लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर एट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑर्गन पाइप। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ट्यूनिंग फोर्क इज 500 हर्ट्ज देन फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन दिस ऑर्गन पाइप या एयर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसका डायमीटर है इतना, इसका मतलब है कि इसमें एंड करेक्शन होगा तभी तो डायमीटर दिया हुआ। और 15 सेंटीमीटर का जो लेंथ है जिस जो कि इस एयर कॉलम के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वजह से, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है तो बताइए स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा। तो सबसे पहले इसका हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, इसके फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ बराबर एन माइनस हाफ भी अपान टू एल प्लस ई होता है, मैं बता चुका हूँ। तो फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज आप यूज़ कर लीजिए यहाँ पे 500 हर्ट्ज बराबर एन फंडामेंटल के लिए एन क्या होगा 1, तो 1 प्लेस करेंगे तो 1 प्लेस करेंगे तो 1-1/2 ये हाफ बन जाएगा। तो बनेगा और हाफ बनेगा तो यहाँ पे 2 के सामने हो तो 1/4 बन जाएगा, 4 भी अपान और एल कितना है 15 सेंटीमीटर, मीटर बदल लीजिए 0.15। और एंड करेक्शन कितना होता है, अच्छा ये 4 क्यों आ रहा समझ लो ना, फंडामेंटल के लिए एन क्या होगा 1, तो यहाँ पे 1 रखिएगा आ जाएगा इतना एल 0.15। ई एंड करेक्शन जो कि 0.6 इंटू आर होगा और डायमीटर 10 है तो जो इसका रेडियस होगा वो कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा, तो आप लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर 10^-2। बस इसको सॉल्व करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, साउंड की स्पीड बन जाएगी। सॉल्व कर लीजिए ये कितना आएगा भी इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2000 आएगा 0.15 प्लस यहाँ से आएगा 3 × 10^-2। सिंप्लीफाई कर लें तो ये इससे तो ये 2 जीरो कटेगा ये 300 आ जाएगा एन प्लस यहाँ से 2 जीरो कट होगा यहाँ से ये कितना आ जाएगा 60 तो कितना हो गया 360 मीटर पर सेकेंड। दिस इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछता है कि साउंड की स्पीड बताइए एयर में, तो आंसर इतना होता है। और ये इस ऑर्गन पाइप के भी अंदर और ये बाहर भी होता है क्योंकि चारों तरफ तो एयर सेम है, मीडियम सेम है
तो स्पीड तो मीडियम की प्रॉपर्टी है, तो सेम रहे चाहे आप रेजोनेंस ट्यूब के अंदर रहिए या रेजोनेंस ट्यूब के बाहर रहिए। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। इसका क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो एयर कॉलम है उसका जो लेंथ है 60 सेंटीमीटर और 110 सेंटीमीटर के दो कंजुगेटिव लेंथ भी रेजोनेंस में है इस ट्यूनिंग फोर्क से। अगर इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रिक्वेंसी 1000 हर्ट्ज़ है तो बताइए स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा। इसका मतलब ये है कि जब इसका फ्रीक्वेंसी वो 1000 हर्ट्ज़ रख रहे हो तो पा रहे हो कि 60 सेंटीमीटर पे भी ये इसके साथ यूनिसन हो रहा है, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी पे जा रहा है तो आवाज़ प्रोड्यूस करेगा। हमेशा सेम फ्रीक्वेंसी पे ही आवाज़ प्रोड्यूस करेगा, ये ध्यान रखना। और वही ट्यूनिंग फोर्क आप यूज़ कर रहे हो तो आप पा रहे हो कि जब इस लेंथ को और बढ़ा दे रहे हो, यहाँ से पानी हटा के जब लेंथ को और बढ़ा दे रहे हो 110 कर दे रहे हो तो फिर आवाज़ शुरू हो जा रही है। तो ये दो कंजुगेटिव लेंथ, मतलब एक तो लेंथ एयर कॉलम की लेंथ मान लो 60 था तो आवाज़ दे रहा था, फिर पानी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम करने लगे तो आवाज़ की इंटेंसिटी घटने लगेगी, फिर हम पा रहे हैं कि इंटेंसिटी 110 से फिर तेज़ हो गई। तो दो कंजुगेटिव लेंथ है एयर कॉलम का, और 60 और 110 जिस पे इस ट्यूनिंग फोर्क इस एयर कॉलम के साथ रेजोनेंस में आ रहा है। अगर कह रहा है कि इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रिक्वेंसी 1000 हर्ट्ज़ है तो बताइए फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड बताइए। उन्होंने कहा ठीक है चलो सॉल्व करते हैं। तो एक तरीका ये है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर एफ है वही एफ ए है, ये होगा एन माइनस हाफ बी अपॉन ट्वाइस ऑफ एल प्लस सी। अच्छा इसको टू किधर भेजो तो क्या बनेगा, ये टू एन माइनस वन बाई टू हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, टू एन माइनस वन बाई टू यहाँ पर आएगा तो फोर बन जाएगा। आप देखिए ये लेंथ L1 लिख लिया, दिस लेंथ इज L1। अब फिर यही फ्रीक्वेंसी आएगी तो ये जो कंजुगेटिव है ना तो अगला n हायर होगा ना, तो इस n को यहाँ पे n रखे हो तो अगला हायर क्या होगा n+1। तो जब इस n की जगह पे लिखोगे n+1 तो आएगा 2n+1 आ जाएगा। अरे इस n को रिप्लेस करो ना, इस n को रिप्लेस करो n+1 से, n इंटीजर है ना 1, 2, 3, 4, 5। तो जब यहाँ पे n रख रहे हो इस L1 के लिए तो आप L1 लिख रहे हो, फिर अगला कंजुगेटिव के लिए n को और बढ़ाओगे ना n+1 करोगे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है और लेंथ बढ़ रही है, लेंथ अगर बढ़ाओगे तो ऊपर की भी तो क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, तो n को n+1 लिखेंगे ना कि n-1 लिखेंगे। तो जब यहाँ पे n+1 लिखोगे तो ये इतना आ जाएगा, ये जाएगा b अपान 4 L2 प्लस ई आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, आप ना इस वाले को इधर भेजिए, तो यहाँ से आएगा L1 प्लस ई बराबर, इसको इधर भेजिए और इसको इधर भेजिए तो आएगा 2। कैलकुलेट करने का तरीका है बी अपान 4F आ जाएगा इसको इधर भेजने के बाद, फिर सिमिलरली इसको इधर भेजिए, अब इसको यहाँ पे तो आएगा L2 प्लस ई बराबर 2n+1 बी अपान 4F। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि n करेक्शन मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे इसका डायमीटर नहीं दिया गया है। तो जब पता ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे एंड करेक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको इधर भेजा इसको इधर भेजा, अब बच गया इतना। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से घटाएंगे, अब मैं इसको घटा रहा हूँ, जब इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा L2-L1 बराबर इसी कट गया, और यहाँ से बी अपान 4F कॉमन आएगा और 2n+1 में से 2n-1 घटाइए तो 2n से 2n कट गया और 1 में से ये घटेगा तो 2 हो जाएगा, बन गया 2b/4f। तो यहाँ से क्या आएगा 2, तो यहाँ से भी की ओर क्या आएगी, इट इज़ 2f L2-L1। देखिए फ्रीक्वेंसी कितना 1000 है तो 2000 हो जाएगा। L2 किसके बराबर है 110, L1 किसके बराबर है 60, प्लस कितना आ गया 2000 × यहाँ से कितना आएगा 50, तो आ गया 10, यहाँ से आएगा 3। इतना मीटर पर सेकेंड इस साउंड की स्पीड होगी इस मीडियम में। तो दिस इज, आप इसको तो समझ गए होंगे ना, तो इसको मैं यहाँ आगे बढ़ा दे रहा हूँ, इसका आंसर मैं इसे हटा दे रहा हूँ, इसका आंसर ऊपर लिख दे रहा हूँ, जाएगा क्या 10 × 10³ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड। तो आप समझ रहे हो मैं कैसे सॉल्व किया। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन और रेजोनेंस ट्यूब पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये है कि एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज़ है, इसमें हमने एक रेजोनेंस ट्यूब के सामने रखा, इसमें वाटर का लेंथ हम लोग एडजस्ट करेंगे। कह रहा है कि इफ लेंथ ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड रेजोनेंस ईयर कॉलम्स आर 30 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर,
कह रहा है कि पहला और दूसरा जो लेंथ है एयर कॉलम का, इस एयर कॉलम का जो फर्स्ट लेंथ और सेकेंड लेंथ है, पहला लेंथ कम आएगा फिर पानी हटा दोगे तो अगला लेंथ बढ़ जाएगा। कह रहा हूँ 30 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि इसमें साउंड की स्पीड कितनी होगी, एंड करेक्शन कितना होगा, और ये जो रेजोनेंस ट्यूब है इसका डायमीटर कितना है। तो बताता हूँ, देख सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे सीधे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस हाफ भी अपन ट्वाइस ऑफ एल प्लस ई लिखेंगे। फर्स्ट लेंथ का मतलब क्या हुआ, एन की जगह पे वन प्लेस करेंगे, और सेकेंड लेंथ का मतलब क्या हुआ, एन की जगह पे टू प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे वन प्लेस करिए, फ्रीक्वेंसी कितना है 400, तब क्या लिखेंगे 400 हर्ट्ज इक्वल्स टू एन की जगह पे वन, तो टू वन बाई टू दिया आएगा भी अपन फोर एल प्लस ई। अब पहला लेंथ कितना है 30, तो 0.3 प्लस ई लिख लिया, इक्वेशन नंबर वन। फिर अगली के लिए क्या करना है, फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी क्योंकि सेम ट्यूनिंग फोर के साथ, तो 400 बराबर, और एन जे पे टू रखोगे, जब टू रखोगे सेकेंड के लिए एन जे पे टू, तो दो दो नहीं तो चार में से एक घटा, थ्री भी अपान, तो मैंने कहा थ्री भी अपान फोर एल प्लस ई, और एल कितना है 100 सेंटीमीटर, मतलब एक मीटर प्लस एंड करेक्शन ई, इक्वेशन नंबर टू। अब देखो इसमें दो इक्वेशन, दो अनोन है, एक भी अनोन है एक ई अनोन है, इसको इसको डिवाइड कर दीजिए ई आ जाएगा, और ई उठा के एक जगह प्लेस कर दीजिए तो भी आ जाएगा, और एंड करेक्शन बराबर किसके होते हैं 0.6 इंटू आर के बराबर होता है, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगा, और डायमीटर क्या होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। सॉल्व कर दीजिए, अगला आंसर आ जाएगा। चलिए।